कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविन्दः, प्रभाते कर दर्शन। दोस्तों, ये मंत्र आपने अवश्य सुना होगा। प्रातःकाल उठकर बिस्तर पर बैठे बैठे हथेलियों को देखते हुए यह मंत्र पढ़ा जाता है। इसका अर्थ है, हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी, मध्य में सरस्वती तथा मूल में भगवान नारायण का वास होता है, इसलिए प्रभात काल में कर दर्शन करना चाहिए। आपने कुछ लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि आज सुबह सुबह किसका मुख देखा तो कार्य ऐसा हुआ। यह सत्य भी है कि सुबह सुबह सबसे पहले जिसका मुख देखा जाता है उसका प्रभाव पूरे दिन जरूर बना रहता है, इसलिए सुबह उठते ही अपने हथेलियों का ही दर्शन करें, क्योंकि इसमें तो लक्ष्मी, सरस्वती और भगवान नारायण का वास है, यानी आपने इन तीनों के ही दर्शन कर लिए, फिर आपका पूरा दिन भी शुभ और अच्छा ही बीतेगा। एक जगह यह भी कहा गया है, अपना हाथ जगन्नाथ, अपने हथेलियों में सर्व रोग निवारक औषधियाँ निहित हैं। इसी संदर्भ में एक वेद मंत्र भी है, अयम मे हस्तो भगवान अयम मे भगवत्तरः अयम मे विश्वभेषजोयम शिवाभिमर्शन। मानसिक पवित्रता और एकाग्रता के साथ मन में इस वेद मंत्र का पाठ करते हुए दोनों हथेलियों को परस्पर रगड़कर गर्म करके उनसे 5 मिनट तक पीड़ित अंग का बार बार सेंक कीजिए और सेंक करने के पश्चात नेत्र बंद करके कुछ मिनट तक सो जाइए। इससे गठिया, सिरदर्द तथा अन्य सभी प्रकार के दर्द दूर होते हैं। इसका अर्थ होता है, मेरी प्रत्येक हथेली भगवान है, अच्छा असर करने वाली है, अधिकाधिक ऐश्वर्यशाली है और अत्यंत बरकत वाली है। मेरे हाथ में विश्व के सभी रोगों की समस्त औषधियाँ हैं और मेरे हाथ का स्पर्श कल्याणकारी, सर्व रोग निवारक और सर्व सौंदर्य संपादक है। आपकी मानसिक पवित्रता तथा एकाग्रता जितनी अधिक होगी उसी अनुपात में आप इस मंत्र द्वारा हस्त चिकित्सा में सफल होते चले जाएंगे। अपने हथेलियों के इस प्रकार एकाग्र और पवित्र प्रयोग से अपना केवल अपने ही अपितु अन्य किसी के भी रोग दूर कर सकते हैं। रात्रि में सोते समय बिस्तर पर लेटकर और प्रातः बिस्तर से उठने से पूर्व इसी मंत्र को बोलते हुए दोनों हथेलियों को परस्पर रगड़ कर गर्म करके उनसे सिर से लेकर पाँव के तलुओं तक क्रमशः सिर, बाल, ललाट, नेत्र, कान, नाक, होंठ, गाल, ठोड़ी, गर्दन, कंधे, भुजाएं, वक्ष, हृदय, पेट, पीठ, नितंब, जांघें, घुटने, पिंडलियां, टखने, पाद, पृष्ठों और पैर के तलुओं का स्पर्श बड़े स्नेह और शांति से करने से स्वास्थ्य और सौंदर्य की वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए, यदि आप मंत्र बोलते हुए दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ कर गर्म करके नेत्रों का स्पर्श करें और अनुभव करें कि आपकी पलकों के बाल सुंदर और आकर्षक होते जा रहे हैं, आपकी दृष्टि शक्ति बढ़ रही है और आपकी दृष्टि स्पष्ट, पवित्र और मनोहर हो रही है, तो आप कुछ ही दिनों के उपरांत नेत्रों में वैसा ही आश्चर्यजनक सुधार पाएंगे। इस प्रकार हथेलियों को परस्पर रगड़कर सिर से पांव तक शरीर के समस्त अवयवों पर घुमाने से प्रत्येक अवयव के रोग और विकार निकल जाते हैं और उसके स्थान पर आरोग्यता एवं सुंदरता की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस हस्त चिकित्सा का प्रयोग जितने ही मनोभाव और दृढ़ संकल्प पूर्वक किया जाएगा उतना ही इससे आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अपना यह हाथ गुणों की खान है, आप अपने भाग्य को भी हाथों के द्वारा पुरुषार्थ कर बदल सकते हैं। इसलिए जो लोग हस्तरेखाविदों को हाथ दिखाते रहते हैं उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके गुणों के साथ साथ आपकी कमियों को भी जानकर
वे आपका अहित भी कर सकते हैं। और जो दृढ़ पुरुषार्थी है उसे रोजी रोटी के लिए भी किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपने हाथों से दृढ़ पुरुषार्थ करे और त्रिकाल संध्या का नियम अपनाए अथवा हर समय भगवत सुमिरन प्रार्थना करे तो रोजी रोटी की व्यवस्था तो स्वयं परमात्मा उसके लिए करेंगे। यह एक अनुभूत प्रयोग है, आप भी इसका प्रयोग कर जरूर देखें। यदि आपके कोई प्रश्न है हस्त चिकित्सा के संबंध में तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।